लोकायुक्त अधिकारियों ने गुरुवार को बीजेपी विधायक एम वीरूपक्षप्पा के बेटे को 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। लोकायुक्त सूत्रों के अनुसार प्रशांत कुमार को उनके पिता के बेंगलुरु के दफ्तर कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड से गिरफ्तार किया गया, जहां वो रिश्वत ले रहे थे। लोकायुक्त पुलिस के अनुसार प्रशांत ने घूस के तौर पर 80 लाख रुपए की मांग की थी। प्रशांत के पिता कर्नाटक के दावणगेरे जिले के चन्नागिरी से विधायक और केएसडीएल के चेयरमैन हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि एक दिन पहले रिश्वत लेते पकड़े गए कर्नाटक के भाजपा विधायक के एक नौकरशाह बेटे के घर की तलाशी के बाद लगभग 6 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ರಾಜಮಣಿ 600 ಇನ್ನು ಅದು 400 ಕಡೆಗೆ 3600 ಮೂವತ್ತು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್.